देवाधिदेव तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान की आराधना सार ग्रंथ की आचार्य गुरु श्री विद्यासागर महाराज की विमलयरगुण समीक्तं सिद्धं सुरसेन वंदियं सिरसा नमीयूण महावीरं वूच्छं आराहणासारं। आराधक का स्वरूप क्या है, यानी जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और तप की आराधना करने वाला क्षपक है उसका स्वरूप क्या है, उसकी पहचान क्या है, वो बतलाते हैं। निहय कसाओ भवो दंसणवंतो नाण संपन्नो दुविह परिग्रह चतु मरणे आराहो हवई। मरण के समय
जिस साधु के पास इतनी योग्यता होती है वह आराधक माना जाता है। निहायक कसाओ, कषायों का जिसने नाश कर दिया, जो निष्कषाय दंसण बंतु सम्यक दर्शन से जो संपन्न हो, नाण संपन्न और सम्यक ज्ञान से संपन्न हो, दुविह परिग्रह चत्तु बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार के परिग्रहों का त्यागी हो। बाह्य परिग्रह 10 प्रकार के होते हैं और अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार के होते हैं। इन 24 परिग्रहों का जिसने त्याग किया हो वह मरण काल में आराधक होता है। वैसे तो साधु परिग्रहों के त्यागी होते ही हैं, लेकिन विशेष रूप से आराधक साधु की यहाँ चर्चा हो रही है कि जो मरण के काल में संलेखना की स्थिति में आ गया है उनका स्वरूप कैसा होता है। तो उसको बतलाते हुए कहा कि जिन्होंने कषायों को जीत लिया है, जो भव्य है, जो सम्यक दर्शन से युक्त हैं, ज्ञान से संपन्न है, थोड़ा ज्ञान होना अलग बात है लेकिन ज्ञान से संपन्न होना अलग बात है, बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ लेना अलग बात है लेकिन उन शास्त्रों के मर्म तक पहुंचना अलग बात होती है। तो ऐसे ज्ञान से संपन्न और दोनों प्रकार के परिग्रहों का जिन्होंने त्याग कर दिया है वे ही मरण के समय आराधक होते हैं। और कौन से लक्षण हैं आराधक के, तो उसको बतलाते हुए आचार्य कह रहे, संसार सुह विरक्तु वैरग्यम परम उपशमं पत्तु विविह तव तवीय देहु मरणे आराहौ एषु। जो संसार के सुख से विरक्त है, यानी जिसकी कोई रुचि नहीं रही संसार के सुख में, वैरग्यम पत्तु जो वैराग्य को प्राप्त है, परम उपशमं पत्तु और जो परम शांति को प्राप्त कर चुके हैं, विविध तव तवीय देव अनेक प्रकार के तपश्चरणों से जिन्होंने अपने शरीर को तपा लिया है वे मरण के समय आराधक होते हैं। यह आराधक का स्वरूप है। और इसमें विशेष एक जानने योग्य बात यह है कि मृत्यु काल में उस साधु को अधिक अनुकूलता पड़ती है जिसने आसन पर विजय प्राप्त किया। अस्थिर आसन वालों को मृत्यु के समय बहुत परेशानी होती है, इसलिए आसन पर विजय प्राप्त करना भी मरण काल में धर्म ध्यान में मन लगाने में बहुत सही है। और ऐसी आशा मत रखो कि मरते समय कोई हमें नमोकार मंत्र सुना देगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अभी से पुरुषार्थ करो, मतलब इतना भाग्य भरोसे चलना भी इस क्षेत्र में उचित नहीं है कि ऑटोमेटिक सब होता रहेगा। इतना सहज अगर होता तो अनादिकाल से आज तक मोक्ष क्यों नहीं गया, नहीं जा पाया, इसका मतलब ये सुगम नहीं है। इसलिए कुछ न कुछ तो प्रयास करते रहना चाहिए। और विशेष जो आसन पर विजय है, एक माला तक तो आसन बदलना ही है, यहां से आप शुरुआत कर दो। माला फेरते ही आप लोग, तो जब भी माला फेरते हैं तो एक आसन में एक माला तो कम से कम, माला जब तक पूरी नहीं होती तब तक आसन नहीं बदलना। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे शरीर को टाइम लगता है एडजस्ट होने में। मन तो आप तुरंत बना लेते हैं कि हम यहाँ से वहाँ चले जाएंगे, मोक्ष पहुँच जाएंगे। मोक्ष तक जाने का मन बनाने में एक सेकंड लग सकता है लेकिन शरीर को साधने के लिए थोड़ा समय लगता है। इसलिए यहाँ से आप शुरुआत कर दो कि जब भी हम माला फेरने बैठेंगे या जब भक्तामर पाठ करेंगे, कोई भी ऐसा छोटे से शुरू कर दो आप और धीरे धीरे बढ़ाते जाओ तो उससे आपको काफ़ी सफलता मिलेगी और एक वर्ष में आप काफ़ी अच्छा लगा सकेंगे ध्यान। अभी कई माताएं, बहनें, भाई लोग हैं जो मंदिरों में बैठ करके, संख्या उनकी बहुत कम है
लेकिन एक आसन में पूरी जाप, पूरा स्वाध्याय, सब कुछ करते हैं। नागपुर के पास एक कामठी नाम का स्थान है, 9 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर एक डॉक्टर बहन है, वो 1.5 घंटे तक मंदिर में एक आसन में ध्यान करती है। 1.5 घंटे किसको कहते हैं? अभ्यास की बात है। जो ठान लेता है उसके लिए कठिन कार्य सरल हो जाता है, और जो डरता है उसके लिए सरल भी कठिन होता है। लिखो भाई, ऐसी चीजें लिख लेना चाहिए। जो ठान लेता है उसके लिए कठिन भी सरल होता है। चलकर क्यों नहीं, खड़े होकर भी कर सकते। पंचम काल में 2 आसनों को श्रेष्ठ बताया आचार्यों ने ध्यान करने के लिए। एक तो खड़े होना, क्योंकि खड़े होना कठिन नहीं पड़ता। सामान्यतः बहुत सारे लोग खड़े रह जाते हैं, बहुत देर लाइन में खड़े रहना पड़ता है टिकट के लिए खड़े रहना पड़ता है। कई स्थानों पर ऐसी स्थितियां आती, बस में खड़े रहना पड़ता है, तो वो कठिन नहीं है। अथवा बैठकर अगर करना है तो ऐसे पालथी लगा करके हाथ को नाभि पे रख लेना, जैसे बतलाया था ना पहले चित्र था, पर्यंकासन। ये 2 आसन पंचम काल में ध्यान के लिए अच्छे बताए गए, सामायिक के लिए। बाकी अगर पद्मासन लगा सको तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, निषेध बिल्कुल नहीं है। सिद्धासन में कर सकते हैं, वज्रासन में कर सकते हैं, वीरासन में कर सकते हैं, अनेक प्रकार के आसन हैं। तो आसन विजय बहुत सुंदर बात है। तो ठान लेने पर कठिन सरल हो जाता है, और भयभीत रहने पर सरल कठिन हो जाता है। एक दूसरा वाक्य ऐसा है कि कायरों के लिए सरल कठिन होता है और कठिन असंभव होता है। उक्तानि कानिचिद आराधक लक्षणानि इदानीम् अन्यान्यपि वर्णयितु काम आचार्य। बोलते हैं कि ये 2 गाथाओं में आराधक के कुछ लक्षण बतलाए हैं, पर इतने ही लक्षण हो ऐसा नियम नहीं है। इसके अलावा भी कुछ और चिन्ह हो गए आराधक को पहचानने के लिए। अप सहावे निरो वज्जे परदव संग सुख रसो निम्मही राय दोसु अवई आराहो मरणी, अवई आराहो मरणी। अपने स्वभाव में जो लीन रहने के आदि है, ऐसे साधु जो अपने शांत स्वभाव में लीन रहने वाले हैं, और जो पर द्रव्य के संग संबंधी सुख रस से रहित है, यानी दूसरी वस्तुओं से मैं सुखी रहूं, ये जिनके जीवन में नहीं है, जो स्वयं अपने अंतरंग से ही सुखी है। साधु का एक पर्यायवाची शब्द सुखी भी आता है, साधु, सन्यासी, तपस्वी, मुनि, इसमें एक शब्द सुखी भी है, साधु का पर्यायवाची शब्द। तो जो अपने में सुखी है, अपने से सुखी है, किसी और से नहीं, ऐसा हो जाए तो फिर मैं प्रसन्न हो जाऊं, नहीं, वो जो कुछ भी है तो ठीक है, क्योंकि जगत का जो परिणमन है वो अनादिकाल से कारण कार्य व्यवस्था को लेकर चला जा रहा है। उसमें संसारी जीव अज्ञानवश संकल्प विकल्प करके हस्तक्षेप करना चाहता है। निमित्त रूप से कोई किसी के लिए उपकारी बन जाए ये एक अलग बात है, लेकिन उसमें कर्तृत्व का अभिमान हो तो वो हानिकारक है। कि मैं सब कुछ चला रहा हूं, मेरे बिना ये थोड़ी हो सकता है, ये अभिमान है। बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा आए और चले गए, उनको भी लगा तो होगा कि मेरे बाद क्या होगा 6 खंडों का, भरत क्षेत्र के जो 6 खंड है, इस समय तो मैं पूरा एक छत्र शासक हूं, और मेरे बाद अगले चक्रवर्ती कब होंगे क्या पता। लेकिन फिर भी सब कुछ चलता रहा,
लोग सोचते थे कि अंग्रेजों के बाद भारत की क्या दशा होगी, फिर अमुक प्राइम मिनिस्टर के बाद क्या होगा, क्या होगा, ये उस समय सोचते थे। लेकिन हो तो रहा ही है ना कुछ ना कुछ। संसार का प्रवाह न कभी रुका और न कभी रुकेगा। तो प्रवाह चलाने का अभिमान करना अज्ञानता है। परिवार के बारे में भी ऐसे ही होता है। कितने ऐसे वंश हैं जो समाप्त हो चुके हैं। कड़ियात्रा में एक वंश था, वो 350-300 वर्ष पहले समाप्त हो गया। उनके यहाँ संतान नहीं हुई, फिर धीरे धीरे वो पूरा परिवार समाप्त हो गया। ऐसे अगर कोई सोचे कि नहीं हमारा वंश तो हम चलाएंगे, और फिर उस वंश को चलाने का भी अगर कोई अभिमान करता है तो वंश को चलाना भी किसी के अपने हाथ की बात नहीं है, उसके लिए भी पुण्य के उदय की अपेक्षा होती है। तो ये भाग्य और पुरुषार्थ, और इसके अलावा जो कारण कार्य व्यवस्था का जो क्रम है, एक नया रुमाल किसी की जेब में देखकर मित्र पूछता है कहाँ से खरीदा, बोले कि खरीदा नहीं, मेरी बेटी ने बनाया। अच्छा, बिल्कुल नया है, बड़ा सुंदर है। तो फिर किसी ज्ञानी से पूछते हैं तो वो उत्तर देते हैं ये तो इसमें कोई नवीनता नहीं है, सिर्फ इसका आकार प्रकार नया है, लेकिन चीज तो बड़ी पुरानी है। कैसे पुरानी है, तो बताते हैं कि तुम्हारा एक वस्त्र 6 वर्ष पहले बहुत पुराना हो गया था, और फिर तुम्हें लगा कि अब ये पहनने लायक नहीं है, तो फर्नीचर फटकारने के उपयोग में तुमने उस वस्त्र को इस्तेमाल किया, और उसके बाद फिर वो नौकरानी ने उससे जमीन वगैरह साफ करने का काम लिया, और अंत में जब उसको पानी में निचोड़ते समय टक टक आवाज आने लग गई, माने उसके तंतु भी सड़ गए, तब उस वस्त्र को पिछवाड़े में जो मिट्टी थी वहां फेंक दिया, वो वस्त्र मिट्टी में मिल गया, कहीं से भी कपास का बीज अंकुरित हो गया उस मिट्टी में, और वो बड़ा पौधा बन गया, उसमें बहुत सारे कपास के फूल लगे। उन फूलों में से इकट्ठा करके तुम्हारी बेटी ने एम्ब्रॉयडरी क्लास में, फिर वो जहाँ सिखलाते हैं ना सब, तो वहाँ खादी का ये रुमाल तैयार किया। इस रुमाल के परमाणु अनादिकाल से इस जगत में है। इसका आकार नया है लेकिन वस्तु अनादि है, पुरानी है। तो उस आकार के बनने में निमित्त मात्र है वो बेटी, लेकिन कर्तृत्व का अभिमान ऐसा होता है संसारी जीव में, वो सोचता है कि मैं ये सब कर रहा हूं, मेरे बिना क्या हो सकता है। बस इस अभिमान के चक्र में वो पूरा जीवन निकाल देता है, लेकिन जो असली चीज प्राप्त करनी थी वो छूट जाती है, और जब मृत्यु सामने खड़ी होती है तब हाथ जोड़कर बोलता है कि थोड़ा समय दे दो, मैं जो मुख्य काम था वो कर लो। मृत्यु पूछती है कि मुख्य काम तुमने अभी तक क्यों बाकी रखा, वो कहता है कि क्या बताऊं, यही तो मानव की विडंबना है कि वो सबसे जरूरी काम सबसे आखिरी में करता है या करना चाहता है, थोड़ा समय दे दो। मृत्यु कहती है कि अब समय बचा है, मैं कहां से समय दूं, तू जितना समय लेकर आया था वो पूरा हो रहा है, मैं तो तुझे लेने आ गई। तो वो हाथ जोड़ करके बहुत सारी मिन्नतें करता है, प्रार्थना करता है, लेकिन मृत्यु उसको ले जाती है, और उसका मुख्य कार्य उस मनुष्य भाव में भी अधूरा पड़ा रह जाता है। फिर दोबारा पता नहीं कब उसको मनुष्य भाव मिले। अपने को भी पता नहीं ये कौन सा मनुष्य भाव मिला हुआ है। हो सकता है किसी का प्रथम मनुष्य भाव हो, किसी का और कोई नंबर का क्रम हो,
लेकिन निकल जाता है टाइम, मुख्य कार्य छूट जाते हैं। इसको प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में, प्रोक्रेस्टिनेशन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, कर लेंगे अभी जल्दी क्या है, टालम टोल जिसको कहते हैं, करना तो है ही, हम ना समझ थोड़ी है, हमें सब पता है। तुम क्यों बार बार टोक कर हमें परेशान करते हो, हमारा कल्याण हम तो जानते हैं ना, हम कर लेंगे। फिर जब मौत आती है बोलेगी क्यों रेडी, वो बोलता है कि नो। ये स्थिति होती, मतलब कितना दीन हो जाता है। आचार्य कहते हैं कि जो अपने स्वभाव में निरत है, स्वभाव में निरत होने का मतलब आंख बंद करके ध्यान लगाना नहीं। बहुत सारे लोगों का ये बड़ा भारी भ्रम है कि आंख बंद करके ध्यान लगाओ तो स्वभाव में चले जाओ। जरूरी नहीं है कि आंख बंद करने से स्वभाव में जाते हो। आंख बंद करके भी लोग पैसे गिन सकते हैं, आंख बंद करके भी भजिए बनाते हैं, दुनिया के काम करते हैं आंख बंद करके। स्वभाव में निरत रहने का अर्थ ये होता है। स्वभाव क्या है ये पहले सोच लो। स्वभाव है जानना और देखना, तो बस जानते देखते रहना, चाहे आंखें खुले हो या बंद हो, तो उसको कहते हैं स्वभाव में निरत। जानने देखने के अलावा कोई दूसरा खुरापात न करना ही स्वभाव में रहना है। और जानने देखने के साथ अगर और कुछ करते हैं, राग द्वेष करते हैं, किसी को बदलने की कोशिश करते हैं, कुछ भी और प्रयास करते हैं, वो सब विभाव है, स्वभाव नहीं है। और निम्म ही राय दोषो, राग और द्वेष का जिनने निर्मथन कर लिया है वह मरण काल में आराधक साधु कहे जाते हैं। अन्यथा क्या होगा, इतने कार्य न करने पर मृत्यु के समय आराधना तो कम विराधना होगी। ननु अब शंका की, शंकाकार ने शंका की है, रत्नत्रितय मयम आत्मानं मुक्त्वा परद्रव्य चिंतां करोति यस्य कथं भूतो भवति इति पृच्छन्तं प्राहु। कोई पूछ रहा है कि अगर रत्नत्रय रूप अपनी आत्मा को छोड़कर किसी अन्य वस्तु की साधु को चिंता हो मृत्यु के समय, जैसे कभी कभी धर्मायतनों की चिंता रहती है साधुओं को। देखो साधुओं को साधुओं की अवस्था में होने योग्य चिंताएं होती है, जैसे कहीं कोई प्रतिमा जी असुरक्षित हो, अथवा कहीं समाज के मुख्य लोग रात्रि भोजन को बढ़ावा दे रहे हो, या फिर और कोई भी ऐसी स्थिति हो, तो साधु के मन में भी कभी कभी इस बारे में चिंता होती है। पर यहाँ शंकाकार ने शंका की है कि मृत्यु के समय अगर साधु कोई ऐसी शुभ चिंता भी करते हैं तो क्या स्थिति बनती है। दूसरों के बारे में अगर मृत्यु के समय साधु सोचते हैं तो क्या हानि होती है। तो आचार्य कहते हैं, जो रैण तय मयो मुत्तूणम अपणो विशुद्धप्पा चिंतेय परदव्यम विराहो निश्चयम भणियम। निश्चित रूप से वह विराधक कहा गया है जो मृत्यु के समय रत्नत्रयमयी अपनी पवित्र आत्मा का चिंतन न करते हुए दूसरी बातों की चिंता करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक समय है तब तक दूसरी चीजों के बारे में सोचो, लेकिन जब मृत्यु निकट आ गई है तब सब चिंताओं को छोड़कर केवल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में ही अपनी आत्मा का ध्यान लगाओ, क्योंकि फिर अवसर नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल परीक्षा आ चुकी है। अब जैसे विद्यार्थी परीक्षा देता है, परीक्षा के पहले तैयारी भी करता है, तैयारी करते समय कभी कभी बीच बीच में मोबाइल के रिंगटोन को सुनकर वो कोई दूसरी चर्चाएं भी कर लेता है, कभी बीच में टेलीविजन भी देख लेता है, कभी और कहीं बाहर भी घूमने चले जाता है रविवार वगैरह को। लेकिन परीक्षा जिस समय
प्रारंभ हो जाती है, परीक्षा भवन में प्रश्न पत्र हाथ में आ जाता है, तब तब यदि वो मोबाइल पर किसी से बात करे या तब अगर कहीं बाहर चला जाए फिल्म देखने के लिए तो क्या होगा? नापास हो जाएगा। इसी प्रकार साधु के लिए कहा है कि जो भी तुम्हें धार्मिक चिंताएं करनी हो या जो भी कुछ करना हो तो वो पहले कर लो, मृत्यु के समय सब विकल्पों का त्याग कर, अन्यथा विराधक हो जाओगे, आराधक नहीं रह पाओगे। फिर अगर कोई तर्क करेगी नहीं, वो चिंता भी तो पुण्य का कारण है, हम किसी की भलाई की तो चिंता कर रहे हैं। बोलेगी किसी की भलाई की चिंता कर रहे हो, खुद की भलाई की नहीं चिंता कर रहे हो? उसकी भलाई से तुम्हें पुण्य तो होगा, लेकिन वो पुण्य किस काम का जो फिर आगे संसार के सुख में अटका दे? उसका जब उदय आएगा तो फिर संसार के सुख मिलेंगे, सुख मिलेंगे तो फिर तुमने चूंकि आराधना नहीं की, अपनी आत्मा का ध्यान नहीं लगाया, तो फिर उस पुण्य के फल में तुम अटक जाओगे। पुण्य के फल में न अटकना बहुत बड़ी बात है। पापों के समय तो, पाप के उदय में तो लोग धर्म का स्मरण कर लेते हैं, लेकिन जब पुण्य का उदय होता है तब लोग भूल जाते हैं। जब पैसे नहीं थे तब लगता था कि काश मेरे पास पैसे होते तो बहुत दान करता। अगर मैं लखपति होता तो कम से कम हजारों का तो दान करता ही करता, अगर करोड़पति होता तो लाखों का दान तो करता ही करता। लेकिन जैसे जैसे पैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे तृष्णा भी ऐसी बढ़ती है कि इधर अकाउंट्स बढ़ते जा रहे हैं और उधर दान में वो डिस्काउंट करता जा रहा है। मैं उसको लगता है कि अब चलो दे तो रहे हैं हम, थोड़ी ऐसा थोड़ी कि नहीं दे रहे हैं, दान तो कर ही रहे हैं, पर कितना कर रहे हो दान? गजपंत क्षेत्र तक वर्णी जी बड़ी कठिनाई से पहुंच रहे, उनको बुखार चढ़ गया था, फिर ऐसा बुखार कि उन्होंने मजदूरी तक की, रास्ते में मिट्टी और कंक्रीट उठाने का भी काम किया है, लेकिन शक्ति नहीं थी, बीमार थे तो फिर उठता नहीं था उनसे वजन। फिर जैसे तैसे वो चने खाते हुए गजपंता पहुंचे और सिद्ध क्षेत्र गजपंत पहुंच करके उन्होंने वंदना वगैरह की, और फिर कोई सेठ मिल गया उनको तो उन्होंने बोला कि तुम सज्जन दिखाई दे तो आज हमारे साथ भोजन कर लेना। तो वर्णी जी ने उनके साथ भोजन कर लिया, और भोजन के बाद जब वहाँ से क्षेत्र से निकलने का समय आया तो सेठ जी ने एक अच्छी बड़ी दान राशि लिखवा दी। वर्णी जी की इच्छा हुई कि अरे इन्होंने दान दिया है यहाँ क्षेत्र पर, क्षेत्र पर काश मेरे पास भी कुछ होता तो मैं भी दान देता। तो देखा कि कुछ आने थे उनके पास, उस टाइम आने चलते थे ना, आठ आने यानी 50 पैसे बोलते थे, तो वो कुछ आने थे, तो उनको लगा कि अगर आज ये मुझे भोजन ना कराते तो फिर इन आनों से मैं चने लेकर के खाता, लेकिन आज मुझे लगभग 1 महीने बाद इतना तृप्तिकारक भोजन प्राप्त हुआ है, इसलिए इस धन का मुझे दान कर देना चाहिए, कल का क्या भरोसा, इस धन को मैं कल तक के सुरक्षित रखूं और कल के चने की चिंता करूं आज, ये जमती नहीं बात। तो उन्होंने वो वहां दान दे दिया, 1 आने का दान। दान किसका बड़ा दान था, ये प्रश्न यहां उठता है। सेठ जी ने बहुत बड़ी राशि दी थी और वर्णी जी ने 1 आना दिया था, पर दोनों में फर्क इतना था कि सेठ जी ने जो दिया था वो अपने अपनी पूरी संपत्ति का 1 अंश था, और वर्णी जी ने जो दिया था वो अपनी पूरी संपत्ति दे दी थी। और वहां पर वर्णी जी ने उस प्रकरण में अपनी मेरी जीवन गाथा में लिखा है कि उस 1 आने के दान में
मेरा जीवन बदल दिया, क्योंकि उसके सिवा मेरे पास कुछ था ही नहीं और उस दान ने मेरा जीवन बदल दिया। तो दान की भावना भी बड़ी दुर्लभ है, कितनी बोलियां लगानी पड़ती है। किसी ने लिखा है कि बनियों को नींबू को निचोड़े बिना रस नहीं निकलता, बनियों को निकाले निचोड़े बिना बोलियों के बिना पैसा नहीं निकलता। पर नहीं, अपन अगर शास्त्रों का अनुसरण करते हैं वो तो ठीक है, उनकी पद्धति होगी उस तरीके से दान निकालने की, लेकिन अगर अपन शास्त्रों के अनुसार चले तो भाव संग्रह ग्रंथ में आचार्य देवसेन स्वामी लिखते हैं कि अपनी आमदनी का छठा हिस्सा धर्म के लिए ही होता है अगर वो सच्चा जैनी है तो, और अगर कंजूस है बनिया है तो फिर पता नहीं फिर उसका कितना हिस्सा रहता है धर्म के लिए। और चाणक्य ने तो लिखा है कि जिसके आमदनी का दसवां हिस्सा भी धर्म में नहीं लगता उसका घर श्मशान है, और जिसके घर गुरु को आहार दान नहीं दिया जाता उसका गृहस्थ आश्रम पत्थर की नौका है। याचार्य सकल कीर्ति महाराज ने धन्य कुमार चरित्र में लिखा कि जिसके घर गुरु को आहार दान नहीं दिया जाता उसका गृहस्थ आश्रम पत्थर की नाव संसार सागर में डुबाने वाली है। तो ये छठे भाग वाली बात भी बड़े महत्व की है, और आप में से कुछ लोगों ने जो पहले सुनी है ये चर्चा, उन्होंने हो सकता है संकल्प लिया हो कि हम वर्ष में जो कमाई होती है उसका छठा भाग धर्म में लगा देंगे। कोई जरूरत नहीं बोली लगाने की, फिर उससे ज्यादा आप लगाना चाहो तो कौन मना कर रहा है, छठा भाग तो लगाना ही लगाना है। 6 लाख कमाता है कोई तो 1 लाख धर्म के लिए, 5 लाख में क्या वो जीव जिंदा नहीं रहेगा, उसके प्राण निकल जाएंगे क्या, कदापि नहीं। या फिर महीने का हिसाब कर लो, 6 महीने का कर लो, 1 हफ्ते का कर लो, 1 दिन का भी कर सकते हो। आज दिन भर में मान लो 100 रुपये कमाए या 60 रुपये कमाए, तो 60 रुपये में से 10 रुपये आप धर्म के लिए लगा सकते हो। जिस धर्म के प्रभाव से आपका भविष्य सुधरने वाला है उसको आप इतना नहीं दे सकते उसके लिए, तब तो कितने स्वार्थी कहलाएंगे आप। और ये कार्य कठिन नहीं, आप कर सकते हैं इसलिए कर सकते हैं, आप सोच लीजिए। तो ऐसा पुण्य कोई काम का नहीं जिससे आत्मा का कल्याण ना हो। त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्त संचिनोति स्वशरीरं सपंकेन स्नास्यामीत विलिंपति। जो ये सोचता है कि मैं आज कमाई कर लूं और कल पुण्य कमाऊं, आज धन कमा लूं कल पुण्य कमाऊं, तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि अपने शरीर पर कीचड़ लगाकर फिर स्नान करने जैसी बात है। और पता नहीं स्नान करने का मौका मिले या न मिले। खूब धन इकट्ठा करके रखा और जब देने का मौका आया तो हृदय में पीड़ा उत्पन्न हो गई, हार्ट अटैक जैसी स्थिति आ गई, और वो पूछते हैं कि कुछ आपकी अंतिम इच्छा है। वो कहता है कि है अंतिम इच्छा तो है मेरी, ये सारा धन मैंने धर्म के लिए इकट्ठा करके रखा है। और कहाँ रखा है मैंने, तो ऐसे इशारा करते करते उसके प्राण निकल जाते हैं। नेक काम में देर नहीं, शुभ से शीघ्रम, रावण की शिक्षा लक्ष्मण के लिए। फिर इस पर विचार कर लेना जी, क्योंकि जो जितना उदार होगा, ये मत सोचो कि सब लोग कर लेंगे काम और इतने लोगों के सहयोग से होगा, अपने बारे में सोचो कि ये अवसर मिला है मुझे सहयोग देने का, तो फिर इस समय मुझे अपनी शक्ति को छुपाए बिना पूरी शक्ति से सहयोग देना चाहिए। फिर देखिए आप कितना जीवन, देखिए आप दिन प्रतिदिन कितना हल्का होता जाता है,
एक एक दिन का बजट बना सकते हैं, एक हफ्ते का बना सकते हैं, एक महीने का, 6 महीने का, या चौमासे का, या वर्ष का, एक वर्ष का, और उस हिसाब से चलते हैं। जैसे क्या होता है कि जब तनख्वाह दी जाती है किसी ऑफिसर को या कर्मचारी को, तो वहां पर बहुत सारी कटौती पहले ही हो जाती है। आपको जानकारी है, तनख्वाह मिलने के पहले बहुत सारे टैक्स पहले ही अलग हो जाते हैं, और हाथ में जो राशि आती है, कहने के लिए महीने में 17,000 कमा रहा है और हाथ में राशि कितनी आ रही है, 11,000 या 7,000, तो बहुत सारी कटौती पहले ही हो जाती है, लेकिन फिर भी उसमें उसका गुजारा अच्छे से चलता है। ये बात अलग है कि कोई असंतुष्ट मनुष्य तो लाखों में असंतुष्ट रहता है, उसका गुजारा चलते हुए भी उसकी तृष्णा शांत नहीं होती। आचार्य जी कहते हैं कि पेट भरना सरल है लेकिन पेटी भरना बहुत मुश्किल है। तो इस स्थिति में फिर असंतोष का तो कोई इलाज नहीं है, तृष्णा का गड्ढा संसार की संपदा से भर नहीं सकता, लेकिन उसमें अगर संतोष की एक बूंद डाल दी जाए तो क्या मैजिक है पता नहीं, वो संतोष की बूंद में चप 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 पूरा गड्ढा फुल भर जाता है। संतोष ही सदा सुखी। तो मां पुण पुण्णई भल्लाई नाणी ताई भणंती जीव रज्जई देवी लहु दुख ही जाई यड़ंती। बोले कि मैं पुण्य की भी कामना नहीं करता क्योंकि पुण्य से देवगति मिलती है, मेरा लक्ष्य देवगति नहीं है, मेरा लक्ष्य तो मोक्ष है, इसलिए मरण काल में मैं परोपकार की या अन्य किसी स्थिति की चिंता क्यों करूं, मैं अपनी ही आत्मा का ध्यान करता हूं क्योंकि यही इस समय श्रेष्ठ। ननु भगवन, फिर से प्रश्न है कि हे भगवान, आचार्य महाराज को भगवान कहकर के संबोधित कर रहे हैं, तो पांचों परमेश्वर भगवान स्वरूप होते ना। ननु भगवन परमात्मानं मुक्त्वा परद्रव्यं चिंतयति यस्य मया विराधको ज्ञातः। मुझे ये समझ में तो आया कि जो अन्य वस्तुओं की चिंता करता है अपनी आत्मा को छोड़कर मृत्यु के समय, वो विराधक है। यस्तु आत्मानं परमपि न बुध्यते तस्य आराधना घटते न वा इति पृष्टि आचार्य प्राण। जो आत्मा को नहीं पहचानता और पर को भी नहीं जानता, वो अगर संलेखना के समय कुछ साधना करे तो उसको आराधना कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आराधना और विराधना तो एक अलग बात है, लेकिन यहां पर प्रश्न ये है, जो न विबुज्जई अप्पा नेय परम निश्चयम समासिज्ज तस्सण बोही भणिया सुसमाही राहणानीय। जो आत्मा को नहीं पहचानता और न ही पर को, पर जानता है, पर को पूर्णतः जानने की आवश्यकता नहीं, बहुत सारी पर वस्तुओं को जानने की भी आवश्यकता नहीं, पर को पर जानना आवश्यक। तो निश्चय नय का आश्रय लेकर के जो आत्मा को स्व और शरीर आदि पर वस्तुओं को पर नहीं जानता, तस न हो ही, उसके पास सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान अथवा सम्यक चारित्र कुछ भी नहीं होता, उसको रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होती। सुसमाही राहणा नहीं, उसकी सुसमाधि भी नहीं होती और आराधना भी उसको उपलब्ध नहीं होती। तो निश्चय से अपनी आत्मा को जानना आवश्यक, पर को पर जानना आवश्यक। आत्मा को आत्मा जानना निश्चय का आश्रय लेकर के,
ये विषय यद्यपि आप पढ़ चुके हैं पहले छेड़ाला इष्टोपदेश में, फिर भी बीच बीच में आत्मस्वरूप का स्मरण करना जीव के लिए उपकारी होता है, इसलिए उसका स्मरण कर लिया जाए। निश्चय एक को पकड़ता है और व्यवहार अनेक, अनेक में एक की कल्पना करना अथवा एक में अनेक के भेद बना लेना, ये व्यवहार नय का काम है। तो यहां पर व्यवहार से आत्मा को जानने की बात नहीं करना, निश्चय का आश्रय लेकर आत्मा को पहचानने की बात है। तो निश्चय का आश्रय लेकर आत्मा को कैसे पहचानेंगे? उत्तम आकिंचन्य के दिन का उपदेश यदि आपकी स्मृति में हो 2004, तो वहां पर मैं कौन हूं, तो एक बात ये आएगी, तो मैं के सैकड़ों रूप हो सकते हैं। एक बात ये रहेगी, इस वर्तमान में जैसे अपने अनुभव से आप देखो मैं कौन हूं, अपने परिचय की तरफ जाइए वर्तमान में, तो वो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव सापेक्ष अगर चलेंगे आप, तो फिर एक परिचय तो ये आएगा, सबसे पहले सबसे प्रिय होता है मनुष्य को अपना नाम, वो नाम आएगा कि मैं फलाया हूं, मैं ठिकाना हूं, जो भी आएगा वो अपना नाम लेकर बोले मैं ये हूं, और फिर उसके साथ में और भी बहुत से विकल्प आएंगे। कैसे विकल्प आएंगे? मैं को लेकर के जितने भी विचार होते हैं उनको विकल्प कहते हैं, पहले भी बताया, उसी को अहंकार कहते हैं, उसी को एकत्व बुद्धि भी कहते हैं। तो मैं अमुक रंग के वस्त्र को धारण करने वाला, आज इतने बजे उठने वाला, इतने बजे स्नान करने वाला, फलाने साबुन का इस्तेमाल करने वाला, अमुक टूथपेस्ट से ब्रश करने वाला, और सबसे पहले अमुक व्यक्ति का चेहरा देखने वाला, ये सब चीजें आज के मैं में आएंगी, इस समय जो आप बैठे हुए इसमें, और अमुक वाहन का इस्तेमाल करने वाला, जो जो चीजें आज आपके संपर्क में है उसके आधार पर जो मैं बनेगा वो इस समय आपके पास है। फिर इसके अलावा और देखें, कई वर्षों से जो चला आ रहा है मैं, कि मैं अमुक का बेटा या बेटी, वो मैं तो बहुत पुराना चला रहा है। फिर मैं अमुक का रिश्तेदार, जब जब से रिश्तेदारों का परिचय मिला है तब से उनके रिश्तेदार रूप में अपने मैं को स्वीकार किया हुआ। फिर मैं इतना पढ़ा लिखा, अथवा चौथी पास या जो भी, अथवा मैं इन इन कलाओं में निष्णात, इन इन जानकारियों वाला, अथवा मैं इन बीमारियों से गुजरा हुआ, माने इतनी बीमारियों को पार करके यहां तक पहुंचा हुआ मैं। ऐसे अगर आप इस जीवन के मैं पर विचार करो तो उस मैं में बहुत सारे अनुभवों का संग्रह सम्मिलित हो जाएगा, और अगर आपका खाली पेट होगा तो फिर उस समय आपका मैं कहेगा कि इस समय खाली पेट वाला मैं, और आपकी अगर कोई तैयारी होगी तो फिर उस समय आपके मन में ये विकल्प आएगा कि अभी घर जाकर के फलानी वस्तु खाने वाला मैं। भविष्य के आधार पर भी वो विकल्प होते हैं। तो इतने सारे मैं, सारे के सारे पराश्रित मैं, मूल तत्व की बात बता रहे हैं, ये सारे मैं किसी न किसी दूसरे के सहारे बने हैं कि नहीं बताइए, किसी न किसी अन्य वस्तु की इस मैं में अपेक्षा रही है या नहीं ये बताइए। जैसे मैं उनका पुत्र, इस परिचय में किसकी अपेक्षा है?
उनकी, फिर मैं इसका भाई या इसकी बहन, यहां भी उस भाई या बहन की अपेक्षा, फिर मैं अमुक रंग के वस्त्र को धारण करने वाला मैं, तो यहां पर मैं कौन सा हो गया? उस वस्त्र की अपेक्षा रखने वाला। मैं इतना पढ़ा लिखा मैं, तो वो इतना पढ़ा लिखा उस पढ़ाई की अपेक्षा रखने वाला मैं, खाली पेट में, भरा पेट में, बीमार में, स्वस्थ में, अमुक गोली खाने वाला, अमुक डॉक्टर से परिचय पाने वाला, अमुक नगर में रहने वाला, ये सारे के सारे मैं पराश्रित है, और केवल व्यवहार में वाले मैं, निश्चय से मैं कौन हूं, इस पर विचार करें। निश्चय जिसमें से चय का निष्क्रमण हो जाए, ये जितने संबंध बनाए थे इन संबंधों को अलग करते जाओ, मैं जैन, मैं मनुष्य, मैं संसारी, मैं जीव, मैं त्रस, इन सब को निकालते जाओ एक एक को, फिर क्या स्थिति बनेगी? चलो अपन एक बार कोशिश करते हैं निकालने की। कल से आज तक जो अनुभव प्राप्त किया हमने, वो भी आदतवश अपने उस विकल्प में, अपने अहम में सम्मिलित हो गए। शाम को बैठ करके आपने हिसाब नहीं लगाया कि आज मैंने इतने काम किए और फिर मेरी इतनी प्रगति हुई अथवा मैं इतना पीछे हटा, ये आपने गणित जोड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी अपने अंदर भावों में वो चीजें समाई हुई है। कल किसी ने कोई बात कही, कोई अच्छी बात कही, कोई बुरी बात कही, तो भले अपन उसको लिखते नहीं डायरी में, लेकिन वो चीज अपने अनुभव में और अपने सुख दुख में अंदर सम्मिलित हो जाती है। फिर कभी आप 10-20 दिन बाद स्मरण करो तो आपको अच्छा या बुरा क्यों लगता है? अगर वो चीज आपके अंदर संग्रहित नहीं होती तो फिर निकलती कैसे बाहर? जैसे मान लो पर्युषण पर्व के दिन शाम के समय उत्तम मार्दव के पर्व में किसी ने आपसे कुछ बोल दिया, और ठीक है, बोलने के बाद आपने बहुत दिनों तक एक भी बार उसका स्मरण नहीं किया, आपको लग रहा था कि आपने तो क्षमा कर दिया, आपको कोई लेना देना, आप कशाय नहीं करते, ऐसा आपको लग रहा था। लेकिन अब कोई आपसे कहता है कि आज मैंने एक व्यक्ति के मुख से तुम्हारे बारे में कुछ सुना है। किसके मुख से? बोले उसके मुख से, और वो ऐसा कह रहा था। बोले अच्छा, ऐसा कह रहा था? ऐसा तो उसने उत्तम मार्दव के लिए कहा। अब बताइए वो कहां से निकला, बताओ? वो पेज था कि नहीं अंदर? नहीं तो खुला कैसे? अगर उत्तम मार्दव वाला जो वाक्य था वो छूट गया होता, अपनी चेतना से निराकृत हो जाता, रिलीज हो जाता, तो फिर वो आज वापस कैसे आता? और वापस आने के बाद आपको दुख लगा कि नहीं? आपने दुखी होकर कहा या फिर एकदम प्रसन्नता पूर्वक कहा कि उसने मार्दव के दिन मेरे बारे में ऐसा निंदाजनक वाक्य कहा? नहीं, प्रसन्नता के साथ तो नहीं कहा, दुखी होकर ही कहा। तो ऐसे बहुत सारे भाव अपने अंदर भरे रहते, बहुत सारे अनुभव, इसको मेंटल गार्बेज बोलते हैं, मानसिक कचरा। और उस कचरे के कारण अच्छी चीजों को अपने अंदर स्थान नहीं मिल पा रहा है। जिनवाणी का जो अमृत है उसको जगह नहीं मिल रही अपनी आत्मा में, क्योंकि आत्मा में इतना कचरा भरा हुआ है, कचरे पर आकर के कैसे विराजमान हो जिनवाणी, सोचो। उस साधु का दृष्टांत भी आचार्य महाराज देते हैं कई बार प्रवचन हमारे गुरुवर। वो राजा बोलता है कि आपको मेरे यहां आना ही पड़ेगा, आपको क्या पसंद है ये बतला दो। तो बोले कि हमें क्या पसंद क्या ना पसंद, फिर भी राजा बहुत आग्रह करता है कि आप जो बोलो वो हम आपको देने के लिए तैयार हैं। अब उस साधु कोई श्रमण नहीं थे, लेकिन कोई साधु थे,
उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, शुद्ध खीर हम ग्रहण कर लेंगे। तो फिर जैसे ही राजा ने शुद्ध खीर बनाई, बहुत उच्च कोटि की, बहुत स्वादिष्ट, साधु पहुंचे और साधु ने ऐसे पात्र आगे किया, राजा खीर डालने को हुए लेकिन एकदम पीछे कर लिया राजा ने अपना हाथ, साधु ने पात्र पीछे कर लिया कि तुम देते देते पीछे हो गए, हम लेते लेते पीछे हो गए, हम नहीं लेंगे, जाओ। तो फिर राजा बोलते हैं कि मैं कैसे डालता उसमें खीर, आपका पात्र स्वच्छ नहीं था, लाइए मैं उसको स्वच्छ करके उसमें खीर देता हूं। बोले कि नहीं, मेरा पात्र मैं किसी और को स्वच्छ करने कैसे दे सकता हूं। तब साधु उस राजा से कहते हैं कि तुमने भी एक दिन मुझसे कहा था कि हे महाराज, मुझे कोई अमृतमय उपदेश दो, मैंने नहीं दिया था, तुम्हें दुख लगा था। और पता है क्यों नहीं दिया था? कि तुम्हारा पात्र भी मैला था, तुमने मेरे पात्र में खीर नहीं डाली क्योंकि मेरा पात्र मैला था, मैंने तुम्हें वो उपदेश नहीं दिया क्योंकि तुम्हारा पात्र मैला था। तो अपने पात्र को स्वच्छ स्वयं करो और फिर उसमें खीर क्या अमृत पियो, जिनवाणी तो अमृत है। तो भेद विज्ञान सिद्धा सिद्धा ये किल केचन तस्सैव अभावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन। भेद विज्ञान से ही सिद्ध पद की प्राप्ति होती है, जितने सिद्ध हुए हैं वो इसी से हुए हैं और जितने बंदे पड़े हैं वो इसके ही बिना बंदे हुए। इस तरह आत्मा की पहचान आवश्यक है, तो जितने पराश्रित परिचय हैं उनको उखाड़ करके बाहर फेंक, अपने चिंतन उनको बाहर फेंक दो। बाहर फेंकने का मतलब थोड़ी देर के लिए उस मैं को हटा दो कि मैं 5 फुट इतने इंचेस वाला, मैं गोरा या सांवला, ये सब अभी अलग कर दो, कोई जरूरत नहीं इस मैं की। अभी सच्चे मैं को पकड़ना है। कैसे पकड़ेंगे? तो इन सब को हटाते 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 ये देखें कि आखिर में कुछ बचता है कि नहीं। मैं मनुष्य, मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं इतने पैसे वाला, ये सब दूसरों के संपर्क से मिले हुए परिचय हैं। मनुष्य ये जो परिचय है अपनी आत्मा का, ये परिचय किसके आधार पर है? इस मनुष्य शरीर के आधार पर, मनुष्य आयु के उदय के आधार पर है। लेकिन जो परिचय कायम न रहे वो परिचय सच्चा परिचय नहीं हो सकता। ये मनुष्य परिचय जो है अपना, मैं मानव हूं, कितने दिनों का है परिचय? पर्याय नष्ट हो जाएगी तब क्या कहोगे? फिर कोई पूछेगा कि आप कौन, तो क्या जवाब होगा? अभी 2 मिनट पहले बोल रहे थे कि मैं मानव हूं और फिर बाद में कोई ऐसा परिचय निकालो जो कभी कहीं खंडित ही ना हो। व्यवहार नहीं के जितने परिचय हैं संसारी जीव के या जीव के, वो सब नष्ट होने वाले परिचय हैं। मैं उसका भाई, वो नहीं रहेगा तो फिर केवल याद रहेगी कि मैं उसका भाई था पर वो नहीं रहा। तो जितने पराश्रित परिचय हैं उन सब को हटा कर देखें। माता पिता जो थे इस जन्म में उसके भी पहले चले जाए अपन, पता चलेगा कि ये तो मेरे कोई संबंध में नहीं थे पहले, अथवा थे तो ये कुछ और थे उस समय, किसी अन्य रूप में थे। तो ऐसे अगर सबको निकालते जाए तो पूरे शरीर को ही हटा दो, फिर देखो क्या परिचय है। शरीर को अलग अलग करने मात्र से कर्मों से छुटकारा नहीं मिलता, तो 8 कर्म तो चिपके रहेंगे आत्मा में। फिर क्या कहोगे परिचय? कि मैं 8 कर्मों वाला
जी। फिर कभी सिद्ध पद प्राप्त हो तब क्या परिचय होगा? तो ये आठ कर्मों वाला परिचय भी कायम नहीं यहां, तो जो कायम न रहे वो मेरा शाश्वत परिचय कैसे हो सकता है? फिर मेरा शाश्वत परिचय क्या है? इस पर विचार करने पर एकदम जब सब कुछ खाली हो जाए, कुछ भी न बचे, तब क्या स्थिति होती है? इसमें एक बात याद रखना जिनेंद्र भगवान की, कि वस्तु का कभी अभाव नहीं होता। मैं जिस मैं को खोज रहा हूं वो मैं सब कुछ अलग करने के बाद भी समाप्त होने वाला नहीं है। हटा दिया सबको, द्रव्य कर्म, नव कर्म, भाव कर्म, राग द्वेष, सबको हटाने के बाद क्या बचा? एक चैतन्य पदार्थ, एक प्रकाश। बस वही प्रकाश पुंज चैतन्य स्वरूपी चेतन आत्मा मैं हूं, ये मेरा शाश्वत परिचय है। निगोद में भी मैं चैतन्य स्वरूपी था, स्थावर पर्याय में भी मैं चैतन्य स्वरूपी रहा, त्रस पर्याय में भी, विकलेंद्रियों में भी जब मैं भटका तब भी मैं चेतन ही रहा। उसके बाद फिर बड़ी कठिनाई से मनुष्य भाव मिला, बल्कि त्रिवेंद्रियों में पंचेंद्री भी बना और मन वाला पंचेंद्री भी बना, फिर आज मनुष्य बना। लेकिन इन सब अवस्थाओं में कोई एक प्रकाश हमेशा साथ रहा। वो प्रकाश कोई मुझसे अलग वस्तु नहीं, मैं ही था वो। आचार्य श्री इसका बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं। स्कूटर के पीछे जो लाल लाइट होती है आपने सबने देखी, वो लाल लाइट जब बारिश गिरती है और फिर छींटे उड़ते हैं तो क्या उतनी उज्जवल रहती है जो नए स्कूटर में रहती है? वैसे नहीं, कुछ धुंधली पड़ जाती है, उस पर धूल जम जाए और उसके कांच पर कोई बच्चा कोयला या पेंट लगा दे, क्या स्थिति बनती है उसकी? लगभग आधे पौन घंटे तक इस पर व्याख्यान देने के बाद आचार्य श्री बोलते हैं कि वो लाल लाइट है ही नहीं, लाल तो ऊपर का प्लास्टिक है। तो उस बैक लाइट को अपन लाल लाइट कहते हैं व्यवहार में से, निश्चय से तो उस प्लास्टिक को हटा दो और अंदर जो स्वच्छ प्रकाश जगमगाता है वो असली प्रकाश। इसी प्रकार निश्चय से अपनी आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूपी है और व्यवहार से लाल प्लास्टिक लग गया और उसके ऊपर कीचड़ लग गई, बच्चे ने कोयला या और कुछ लगा दिया, पेंट या और भी धूल जम गई या कुछ भी हो गया, ये सारी संसार की क्षणिक पर्याय हैं। कभी मनुष्य बन गया, कभी अल्प ज्ञानी बना, कभी विशेष ज्ञानी बन गया, लेकिन फिर भी उससे क्या मतलब? वो इसके रूप है, स्वरूप नहीं। तो मेरा स्वरूप क्या हुआ? मैं प्रकाश स्वरूप हूं। कौन सा प्रकाश? आंखों से दिखने वाला ज्ञान ज्योति, चैतन्य स्वरूप, चैतन्य प्रकाशवान मैं हूं। बस इस स्वरूप को जिसने नहीं जाना उसकी कोई आराधना नहीं है, उसकी विराधना ही विराधना है।
वो जो कुछ भी कर रहा है उसमें आराधना नाम की कोई वस्तु नहीं। आत्मा को निश्चय से जाने बिना सम्यक दर्शन आदि कुछ भी नहीं होता, और सम्यक दर्शन के बिना कुछ नहीं होता। एक बहुत सुंदर बड़ी दीवार है, उस पर आप कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ नंबर्स लिखना चाहते हैं। अब उसमें आप शून्य बनाते जाइए बनाते जाइए, बहुत सारे शून्य बना दिए आपने, लेकिन उन सब शून्यों का जोड़ कितना होगा? दो शून्यों को जोड़ दीजिए, क्या आया? फल, शून्य। तीन को जोड़ दीजिए, शून्य। दस को जोड़ दीजिए, सौ को जोड़ दीजिए, हजार को जोड़ दीजिए, दस हजार को जोड़ दीजिए, लाख को जोड़ दीजिए, दस लाख को, करोड़, अरब, खरब, नील, असंख्य, अनंत, अनंत शून्यों को भी जोड़ दो तो भी वो रहेगा शून्य। और अगर एक शून्य के आगे एक का अंक आ जाए तो वो दस बन जाता है। दो शून्य के आगे एक का अंक आ जाए, आगे यानी पश्चात नहीं, पूर्व में। तीन शून्य के पूर्व में एक का अंक हो तो हजार बन जाता है। बस एक का अंक जो है अध्यात्म में सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन हो तो आपने एक शास्त्र पढ़ा तो भी सम्यक ज्ञान है, नहीं पढ़ा है तो भी जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है। और फिर आप जो जो गुण प्राप्त हो करते जा रहे हैं वो सब वृद्धि में गिने जाएंगे, और सम्यक दर्शन के बिना सब कुछ शून्य के बराबर है। इसलिए अभव्य जीव की ये दशा होती है। भाग्य से अभव्य जीव बहुत कम होते हैं। पूरे ढाई द्वीप में जितने मनुष्य हैं उनमें कोई एक दो जीव ही अभव्य हो सकता है, इतने कम होते हैं अभव्य। भव्य बहुत होते हैं लेकिन दोनों अनंत होते हैं। अभव्य भी अनंत, पूरे जगत के जितने प्राणी हैं चारों गतियों में उनमें अनंत है अभव्य, लेकिन मनुष्यों में संख्या बहुत कम है, एक दो तीन ऐसी कोई गिनती होती है, बहुत अलग। तो अपन मोटे तौर पर कह सकते हैं कि अधिकांश जीव भव्य है। अब इसमें फिर आप ऐसा विपरीत विचार मत कीजिए कि कहें मैं अभव्य हो सकता। अरे भाई, चिन्वाणी मिली और वो भी पंचम काल में मिली और उसमें भी आपकी रुचि जागृत हुई है, तो फिर ऐसे उल्टे विचार क्यों करते हो? ये समझो कि महान भाग्य से मुझे जो कुछ मिल रहा है और उससे भव्य होने की संभावना अधिक, इसलिए अपने को भव्य समझ कर ही आगे बढ़ते जाओ। फिर भव्य अभव्य की सही पहचान तो केवल भगवान को है। तो इस प्रकार आराधना सार में अपन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आज कुछ दान के बारे में जानकारी दी थी और कुछ आत्मा के बारे में। तो अपने उस निरपेक्ष परिचय को देखिए, उस लाइट को देखिए, उस प्रकाश को देखिए, तो मन एकदम शांत हो जाता है। जितनी आकुलता, जितनी अशांति, जितना दुख होता है वो सब प्लास्टिक के कारण होता है, लाइट के कारण नहीं होता है। तो प्लास्टिक से इतना मोह रखना जिनवाणी को सुनने वाले विवेकी जनों को शोभा नहीं देता। क्या है? स्कूटर की बैकलाइट का रंग लाइट है, लाल है, वो लाल लाइट का रंग नहीं है, वो प्लास्टिक का रंग है। तो अपने शरीर रूप अपने आप को मत समझो, मैं स्त्री, मैं पुरुष और मैं ऐसा वैसा। अपनी उन बाहरी कमजोरियों को क्या देखते हो? लाइट उस प्लास्टिक के ऊपर बहुत सी धूल चिपकी होगी, ठीक है, चिपकी होगी, अंदर का लाइट सही हो तो फिर काम बनता है। तो अपन सब प्रकाश स्वरूप, जड़ स्वरूप नहीं। प्लास्टिक तो जड़ है, उसमें कहाँ रोशनी है? अब कोई सोचे कि क्या बढ़िया लाइट है स्कूटर का, और फिर स्क्रूज खोल दे और फिर वो चुरा करके ले आए घर पे और ऐसे लगा दे, अरे यहाँ तो नहीं जाऊंगा। ऐसे ही कोई अरब कंट्रीज से आ जाए यहाँ भारत में, अब वहां पानी बहुत महंगा है और यहाँ पानी हर नल पर मिलता है, तो 10-20 टोटियां खरीद करके वो ले जाए वहां अरब कंट्री से।
और खूब महंगे दाम में, क्योंकि यहाँ वाले लोग अच्छे चालाक लोग हैं, ऐसा ग्राहक मिलने की देर है उनको। वो पूछता है कि इसमें से पानी आता है? बोले अच्छा तेज धार आती है इसमें, ले लो। बोले कहाँ से आ रहे हो? हम वहां से। अच्छा कितने में दोगे? तुम वहां से आया हो इसलिए हम इतना दाम लगा रहे हैं। लगा देता दाम उसके हिसाब से। और जब वो 10-20 टोटियां लेकर के जाता है वहां पर, और वहां दुकान खोलता है कि पानी, और टोटियां जब खोलता है पानी, जब तक पानी का स्रोत ना हो तब तक अकेली टोटी से क्या मतलब है। इसी प्रकार अनादिकाल से बहिरात्मा जीव हमेशा इन टोटियों को देख रहे हैं, इंद्रियों को और मन को ही देख रहे हैं, लेकिन देखने वाले को नहीं देख रहे। दिखने वाला देख नहीं सकता और देखने वाला दिख नहीं सकता, लेकिन ये सारा संसार का प्रपंच उसी में जो दिखता है इन आंखों से, वो देख नहीं सकता क्योंकि वो पुद्गल द्रव्य है। ऐसा जो दिख रहा है वो क्या है? पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य देख सकता है क्या? और जो देखने वाला है वो दिख नहीं सकता। क्या मतलब हुआ? वो इन चक्षुओं से दिख नहीं सकता। बस यही संसार का प्रपंच है कि देखने वाले को कभी देखने का प्रयास नहीं करते, और दिखने वाले को ये देखते देखते पूरा जीवन कट जाता है। खैर आज ये बात तो स्पष्ट होगी कि अपन लाइट है, प्लास्टिक नहीं है। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यही जो कहीं